बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। देखें अल्लाह वालों, हम सिर्फ ज़ुबान से ज़िक्र करते हैं, अगर किसी मकसद के लिए वजीफ़ा पढ़ें तो अक्सर वजीफ़ा हम दिल से नहीं पढ़ते बल्कि सिर्फ़ ज़ुबान से ज़िक्र करते हैं। अभी हम सिर्फ़ ज़ुबान से ज़िक्र ही करते हैं तो हमें बरकत मिलना शुरू हो जाती है, हमें दुनिया मिलना शुरू हो जाती है, हमारे काम बनना शुरू हो जाते हैं, हमारी मुश्किलात हल होना शुरू हो जाती हैं। अभी हम सिर्फ ज़ुबान से ज़िक्र करते हैं और अगर ये ज़िक्र दिल में उतर जाए और दिल की गहराइयों से किया जाए तो सोचे तो सही, फिर हमें कितनी नेमतें मिलना शुरू हो जाएंगी। इसलिए अल्लाह वालों, अपने दिलो दिमाग में अल्लाह की ज़िक्र को बसाना शुरू कर दें। अल्लाह पाक हमारी चाहतों को पूरा कर देंगे। अल्लाह पाक हमें सोचे बग़ैर नेमतें अता कर देंगे और फिर सोचने से पहले ही नेमत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा तब होगा जब हम इस दिल के अंदर अल्लाह को बसाएंगे और दिल के अंदर रब ऐसे ही नहीं मिलता। इस दिल को अल्लाह वालों की महाफिलों में, मजालिसों में बार बार आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, उनके कदमों में बैठकर रब का ज़िक्र करना पड़ेगा, अल्लाह वालों की सोबतें इख्तियार करनी पड़ेंगी, अल्लाह के ताल्लुक वाली मोहब्बतें वहाँ मिलती हैं जहाँ अल्लाह वाली मोहब्बत मिलती है। दुआ गो हूँ कि अल्लाह की ज़ात हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना ज़िक्र करने की तौफीक अता फ़रमाए। दुआ गो हूँ कि अल्लाह की ज़ात अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह की ज़ात मुल्क पाकिस्तान पर अपना खुसूसी करम फरमाए। आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और अगर आप चाहते हो कि हम और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं तो आप हमारे चैनल पैगाम रूहानियत को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम।